हेलो दोस्तों, सर्विस ऑन व्हील के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर के लिए अगर हमको एयर कंडीशनिंग लेना है तो कैसे, कौन सा एयर कंडीशनिंग हमको लेना है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आगे के सारे वीडियो तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बहुत सारी कमेंट्स मुझे अपने प्रीवियस वीडियो में आए थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जो है हमको एसी लेना है बट समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा एसी ले, तो कि उसमें विंडो एसी ले कि स्प्लिट एसी ले, इसके अलावा जो है कितने टन का एसी हम लोग ले, 1 टन का ले, 2 टन का ले, कितने टन का एसी हम लोग ले, इन्वर्टर एसी ले या नॉन इन्वर्टर एसी ले, इसके अलावा कितने स्टार रेटिंग का एसी ले, क्योंकि 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के एसी आते हैं, तो कितने स्टार का एसी हमको लेना चाहिए, और अपने घर के लिए एक अच्छा एसी हम कैसे चूज़ करें। इसके अलावा जो है, अगर हमको एसी लेना है तो हम कंपनी के शोरूम में जाकर एसी ले, या फिर जो है ऑनलाइन शॉपिंग जितनी भी होती है उसके पोर्टल पे जाके हम अपना एसी चूज़ करें। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें विंडो एसी लेना है या फिर स्प्लिट एसी लेना है। देखिए दोस्तों, ये होता है विंडो एसी और ये होता है स्प्लिट एसी। दोस्तों, विंडो एसी में कंप्रेसर और कंडेंसर एक ही यूनिट में आता है। इसके अलावा इसे आपको विंडो में फिट करना पड़ेगा, होल दीवार में होल करने की ज़रूरत नहीं रहती है, और इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होते हैं, एक इवोपरेटर यूनिट और एक कंप्रेसर यूनिट। इवोपरेटर जो है घर के अंदर लगेगा, कंप्रेसर यूनिट घर के बाहर लगता है। और इसके ये स्प्लिट एसी लगाने के लिए आपको दीवार में होल करना पड़ेगा, और इसमें जो है नॉइस विंडो एसी की अपेक्षा कम आएगा, क्योंकि इसमें कंप्रेसर यूनिट जो है वो आपके घर के बाहर लगा होता है। बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा विंडो एसी के कंपेरेटिवली ये वाला एसी जो है आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए कितने टन का एसी हमें लगाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है कि अगर हमारा रूम कितना बड़ा है उसके अनुसार जो है हमको कितने टन का एसी लगेगा। आप सबसे पहले जो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आपके घर की जो सीलिंग हाइट है वो 9.5 से 10 फीट के बीच होना चाहिए। दूसरा, स्प्लिट एसी अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटर यूनिट जो है वो ईस्ट फेसिंग में नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आपके घर में सिर्फ एक ही ग्लास विंडो होना चाहिए। इस टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। और देखिए, यहाँ पर अगर आपका घर का स्क्वायर फिट एरिया, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई अगर आप निकालते हैं अपने घर रूम की, और अगर वो 80 स्क्वायर फिट आता है तो 0.75 टन का आपको रिकमेंड रहेगा। ऐसे ही अगर आपका घर रूम का एरिया 160 स्क्वायर फिट आता है तो आपको 1.5 टन का एसी का रिकमेंड रहेगा। अगर आपके आपका रूम बड़ा है, जैसे कि हॉल वगैरह है, और उसका स्क्वायर फिट एरिया अगर 315 स्क्वायर फिट अगर आता है तो आपको 3 टन के एसी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो दोस्तों, ये चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके रूम को मैं जो है कितने टन का एसी आपको लगाना पड़ेगा। हमारे इस सर्विस ऑन व्हील के चैनल का मकसद ये रहता है कि मैं आपके पास ऐसे ऐसे वीडियो इस तरह से सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ ताकि सारी बातें आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। पहले मार्केट में सिर्फ नॉन इन्वर्टर एसी चलते थे और अब जो है इन्वर्टर एसी भी आ गए, तो अब हमारा सवाल ये उठता है कि हमको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। दोस्तों, इन्वर्टर एसी जो है वो वेरिएबल स्पीड पे काम करता है, और नॉन इन्वर्टर एसी जो है उसको कट इन कट ऑफ होता रहता है। यानी कि समझ लीजिए कि आपने, अगर आपने रूम का टेम्परेचर 25 पे सेट किया हुआ है, और अगर आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही 25 आता है तो आपका एसी जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है 26-27 तक आता है, वापस आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में जो है आपका एसी बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यूस एक स्पीड पे चलता रहता है और रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी को एक टेबल फॉर्म में समझाने की कोशिश किया हूँ। इन्वर्टर एसी जो है वो नॉन इन्वर्टर एसी की कंपैरिजन में थोड़े से महंगे होते हैं और उनका नॉइस भी कम रहता है। तो दोस्तों, मैं अब बताता हूँ कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अगर आपका एसी जो है पूरे साल भर चलता है 8 से 10 घंटे, तो आप इन्वर्टर एसी लीजिए। और अगर आप साल में जो है सिर्फ 2 से 3 महीने ही एसी चलाते हैं तो आप नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको अपने घर के लिए कितने स्टार का एसी लेना चाहिए, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार या फिर 5 स्टार का एसी लेना चाहिए। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये स्टार रेटिंग होता क्या है। आपको मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस दिखेंगे उनमें सभी में 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग होती है, और ये रेटिंग जो होती है एनर्जी एफिशिएंसी के आधार पे ये रेटिंग की जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो टेबल मैंने बनाया हूँ ये 1 टन एसी के लिए मैंने बनाया है। अब यहाँ पर अगर मैं 1 स्टार एसी को जो है डेली 8 घंटा चलाता हूँ तो ये 15 यूनिट के आसपास यूनिट कंज्यूम करेगा, और इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आएगा 108 पर डे के हिसाब से आएगा। वहीं पर अगर मैं 5 स्टार एसी को देखता हूँ और उसे 8 घंटे चलाता हूँ अगर मैं, तो ये 11.89 के आसपास यूनिट कंज्यूम करेगा और 83 रुपीज़ इसका पर डे का बिलिंग रहेगा, जिसमें कि 37 रुपीज़ के आसपास आपका मंथली सेविंग होता है। दोस्तों अगर सीधे टर्म्स में अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर आप अपने एसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं और साल में 6 से 7 महीना अगर आप अपने एसी का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है 5 स्टार एसी ही लीजिए, क्योंकि इससे आपका बिल में बहुत ज़्यादा सेविंग होगा। लेकिन अगर आप 2 से 3 महीना 4 महीना आप एसी अपना चलाते हैं, 8 से 10 घंटा चलाते हैं, तो आप 3 स्टार एसी तक ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब अपने घर में एक अच्छा एसी हम किस प्रकार से चूज करें ताकि हमारा बिल भी कम आए और हमें ठंडी हवा भी मिल सके। जब भी आप एसी ले रहे हैं तो उसमें ये कन्फर्म कर ले कि उसकी कॉइल जो है वो एल्युमिनियम की कॉइल है या कॉपर की कॉइल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने कॉपर कॉइल और एल्युमिनियम कॉइल को एक टेबल फॉर्म में बनाया है। कॉपर का जो कॉस्ट रहेगा वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा कूलिंग, लेकिन आपको एल्युमिनियम की बजाय कॉपर में ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मेंटेनेंस जो है वो कॉपर में ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर आपके कॉपर पाइप में कहीं भी लीक हो जाता है तो उसको टेक्नीशियन जो है वो ब्रिजिंग की मदद से जोड़ सकता है और आपको पूरा का पूरा कॉपर पाइप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एल्युमिनियम कॉइल है तो आपको फुल एल्युमिनियम कॉइल आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है एल्युमिनियम की ज़्यादा रहेगी इसलिए आपकी, और कॉपर में कम रहेगी। तो इंटरनेट का ज़माना है और हर आदमी सोचता है कि जो है वो ऑनलाइन चीज़ें बुलाएं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एसी लेने जा रहे हैं तो क्या हम शोरूम में जाकर एसी परचेस करें या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करके हम वो एसी बुलाएं। दोस्तों यहाँ पर मेरा ये जवाब होगा कि अगर आप जो है ऑनलाइन एसी लेने की बजाय जो है पहले आप शोरूम में जाकर इस सारी कंपनियों के एसी चेक करें, उसमें ऑफर्स वगैरह देखें और देखें कि उसमें किस में आपको जो है आफ्टर सेल्स सर्विस मिल रही है और आपके शहर में उस एसी के कंपनी का सर्विस है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एसी ख़राब होता है तो आपको सर्विस प्रॉपर मिलनी चाहिए, नहीं तो आपके एसी लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कम कीमत के चक्कर में हम ऑनलाइन से एसी तो परचेस कर लेते हैं बट उससे इंस्टॉल करने वाला कोई नहीं आता, और ना ही जब वो ख़राब हो जाता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी हमको इधर से उधर भटकना पड़ता है। दोस्तों एसी खरीदने के पहले सिर्फ आग बंद करके ऑनलाइन के ऑफर पर बिलीव ना करें, आप एसी के शोरूम में जाएं, वहां पर सारे एसी आप चेक करें और किस में आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, किस में वारंटी मिल रही है, और इसके अलावा जो है उसमें आपको क्या क्या प्रोडक्ट साथ में मिल रहे हैं, कॉपर पाइप आपको कितने फीट का कॉपर पाइप दे रहे हैं और कितनी सर्विसिंग वो लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर अगर आपको लगता है कि ये एसी जो है अगर आपको ऑनलाइन में सस्ते प्राइस में मिल रहा है तो आप इस एसी के मॉडल को सर्च करके वो एसी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बट सबसे पहले आप शोरूम में जाइए और वहाँ पर आप देखिए कि आपको कौन सा एसी आपके रूम के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आज का अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। और दोस्तों इसके अलावा कमेंट्स में आप लिखिए कि आपको कौन से हाउस अप्लायंसेस के बारे में जानकारी चाहिए है, और एसी के बारे में भी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आपको रिप्लाई खुद ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपके एयर कंडीशनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप चाहते हैं कि आपके एयर कंडीशनर के मेंटेनेंस या सर्विस के लिए टेक्नीशियन चाहिए तो दोस्तों सर्विस ऑन व्हील को आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर यहाँ पर चल रहा है। आपको हमारी सर्विसेज जो है ऑल ओवर इंडिया में है, आप कभी भी हमको कॉल करेंगे या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो आपको विद इन 1 आवर के अंदर आपको आपके एयर कंडीशनर के लिए सर्विस मिल जाएगी और विद इन 1 आवर आपके यहाँ टेक्नीशियन आके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू।